press the bell icon for all updates. तो हम बना रहे हैं यहाँ पे इलायची वाली चाय. यू नो व्हाट, चाय में स्पेशल क्या है कि इसमें इलायची ही डलेगी, क्योंकि इलायची बना रहे हैं तो इलायची का जायका ऑलरेडी आ जाएगा. सो एक्चुअली मैं यार इलायची इनटू इट. एग्जैक्टली. सो जीजा जी, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं जैसे कि मैं देख सकती हूँ. सो इसके अंदर मैंने इलायची वाला जायका डाल दिया है. अब डालेंगे पत्ती चाय पत्ती और डाली दीजिए. कड़क चाय बनी, कड़क चाय एकदम इलायची की तरह. अरे खुशी तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने 500 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं. सो आई जस्ट थॉट कि जो चीज़ें भी जो चीज़ मुझे बनानी आती है वही बना के आप लोगों को खिला देती हूँ. एंड ऑफकोर्स इलायची वाली चाय तो ज़्यादा फेमस होती है, तो इलायची वाली चाय. और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलायची जी जो है पंचम के बिना अधूरी है, इसी तरह चाय पकौड़ों के बिना अधूरी है. तो हम लोग आप लोगों को पकौड़े भी खिलाने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है. सो मिठास के लिए वैसे तो मेरे हाथों से मीठा अपन पहुँच गया होगा, बट थोड़ा सा ऐड कर देते हैं मीठा तो. खुशबू आ रही है कि नहीं? बहुत अच्छी. तो अब ये चाय मंडी का बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है. और इसमें हम थोड़ी सी अदरक डालेंगे. वो एक्टिंग कर, काटने दीजिए. ठीक है, तो अभी हम इसको सर्व करेंगे. जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था, जिस तरह से इलायची जी जीजा जी के बिना अधूरी है, उसी तरह चाय पकोड़ों के बिना अधूरी है. तो इलायची जी, हम आपके लिए पकोड़े लाए हैं, बिल्कुल एडिबल है, प्लीज खाइए एक बार. मैं आपसे पहले यार ये एवरीबॉडी कैसे खाएंगे आप लोग? इलायची वाली चाय तो बना दी, कैसी लगी? आप तो पी रहे हो. मैं तो अभी भी इलायची वाली चाय पी रहा हूँ, बिकॉज वो इतनी अच्छी है कि मैं कप के बाद कप मंगाए जा रहा हूँ. बिकॉज सच एन ऑसम टी, मतलब क्या बताऊँ. क्या तुम मेरे घर पे भी आके चाय बना सकते? बिल्कुल जीजा जी, आप मेरे तो जाते हैं, मेरे घर की छत पर ही रहते हैं ऑब्वियसली. आई कैन कम एनी टाइम टू बरसात. हाँ, पर आपके जो पापा है ना, वो अगर उन्होंने पकड़ लिया तो चाय की जगह दुम्बा बना देंगे. अरे यार, 2 साल से चूना लगा रही हूँ पापा को यार, अब तो समझ जाओ कैसी हूँ मैं. अरे सॉरी, आपको याददाश्त वो हो इनकी याददाश्त चली गई है ना बेचारे को, पता ही नहीं. अच्छा, मैं भी भूल जाती हूँ कि इनकी याददाश्त जा चुकी है. तो इनको तो ये पता ही नहीं है, इनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता. बट यू नो, इसके साथ ना नए टट्टू की शुरुआत हुई है. और पर्सनली हिबा को बहुत गुजारा, लाइक चीज़ ज़्यादा थी, सारी चीज़ें को टंग करने में.